सेना के जवानों का कर्तव्य है कि वो सरहद पर देश की सीमा की रक्षा करें, लेकिन सेना के ऐसे ही एक जवान पर महिला के सम्मान से खिलवाड़ का गंभीर आरोप लगा है। यह पूरा मामला यूपी के रायबरेली का है, जहां एक युवती ने आरोप सेना के जवान पर शादी का झांसा देकर कई साल तक उसकी आबरू लूटने का आरोप लगाया है। वहीं जब युवती ने जवान से शादी करने को कहा तो जवान ने इनकार कर दिया। पीड़िता ने शहर कोतवाली में 3 माह पहले से ही आरोपी जवान पर गंभीर धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद बीते दिनों पीड़िता एसपी की चौखट पर भी चक्कर लगाए, लेकिन उसे वहां भी न्याय नहीं मिला। आपको बता दें कि सुनवाई नहीं होने पर युवती ने अपने खून से सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि सेना में तैनात जवान सुरेंद्र कुमार यादव, जो कि बधोखर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसने शादी का झांसा देकर 3 साल तक युवती के साथ दुष्कर्म किया। इसके साथ ही 2 बार गर्भपात भी कराया। वहीं पीड़िता ने शादी करने की एवज में 4 लाख रुपए भी फौजी को दिए, पर अब ना तो वह शादी कर रहा है और ना ही पैसे लौटा रहा है। सर, हमारी बहन के ससुराल के पास के गांव के रहने वाले शेरगंज के रहने वाले सुरेंद्र कुमार यादव ने मेरा बलात्कार किया, शादी का झांसा दिया, ऐसा उन्होंने कई बार किया, पर सर उसके बाद अब मार्च में शादी करने से मना कर दिया, मोबाइल ऑफ कर दिया। इसके लिए हमने कोतवाली में अपनी FIR कराई, सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। SP साहब से भी हमने इस घटना के बारे में बताया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर अब मुख्यमंत्री द्वारा ही केवल हमको एक आसरा है जिससे हमको न्याय मिल सके। सर मुख्यमंत्री द्वारा न्याय नहीं मिलता तो हमें इच्छा मृत्यु दी जाए। किसी से पत्र लिखा है क्या है? सर हमने अपने खून से लिखा हुआ है। क्या मांग की है? सर हमें न्याय चाहिए, सर सुरेंद्र कुमार की गिरफ्तारी चाहिए, यहाँ हमें अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु दी। मुकदमा दर्ज होने के बाद 3 माह बाद भी आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यूपी में जिस तरीके से कठोर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, जिस तरीके से पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसके साथ ही SP भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। आपने देखा कि किस तरह से पीड़िता अपने दुख को बयां कर रही है, लेकिन यूपी पुलिस की लापरवाही की वजह से पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिससे पीड़िता दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। यह देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार आरोपी और पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।